पवन सिंह और मैं उधमपुर का रहने वाला हूं। आज हमने जैसे देखा कि भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस समारोह जो है उसके उपलक्ष्य पर हमारे उधमपुर के एक्स एमएलए और जम्मू कश्मीर की सरकार में मंत्री रह चुके पवन कुमार गुप्ता जी, उनके द्वारा अपने छत पे जो है भारतीय जनता पार्टी का जो ध्वज है वो लगाया गया। और उसी के साथ हमने देखा कि हमारा जो भारत की जो आन बान और शान, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, उसकी हालत हमने जब देखी, और हम कहना चाहते हैं कि ये लोग जो राष्ट्रवाद का पाठ आए दिन जनता को पढ़ाते रहते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन इनके ही छत पे जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, तिरंगे का अपमान हो रहा है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा भी करते हैं। और हमारी जो जम्मू कश्मीर की सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब से अपील करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, और हम एसएसपी मैम उधमपुर से अपील करते हैं कि इसके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई एफआईआर ही करवाएगा तभी आप इन पे कार्रवाई करेंगे। जैसे कि एक मैं मिसाल आपको देता हूं कि किसी ने हेलमेट नहीं पहनी होती है तो पुलिस जाके उस पे कार्रवाई करती है बिना किसी के एफआईआर के। तो हम कहना चाहते हैं कि इस इन पवन कुमार गुप्ता जी के ऊपर इन्होंने जो हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया है, इनके ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या ये बड़े लीडर जो है भारतीय जनता पार्टी के, जो राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को भी ये कहना चाहता हूं कि आप जो है राष्ट्रवाद का पाठ पहले अपने जो ये जो आपने नीचे रखे हुए हैं ना नुमाइंदे, इनको पहले राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएं, जनता को जो है वो बाद में पढ़ाएं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये डिस्ट्रिक्ट में सरकार इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी है, जम्मू कश्मीर में सरकार इनकी है, और मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार की वजह से ये लोग जो है जो हमारे तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं ये कहीं शूट ना जाए। अब देखना ये बाकी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या कार्रवाई जो है पवन कुमार गुप्ता जी के ऊपर करती है।